नमस्कार दोस्तों, कार किंग में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे होंडा की एलिवेट के बारे में, जो कि कंपनी ने 6 जून को इंडियन बाजार में उतार दी है। तो इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर के बारे में बात करेंगे, कैसा दिखेगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सेल्फ लगाते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं इसके एक्सटीरियर से। ओए एक्सटीरियर में तो मतलब बिल्कुल एकदम कहर आ रही है। होंडा क्या बना दिया यार तुमने गाड़ी इस बार। इस गाड़ी में आपको एडास भी मिलेगा कैमरे के साथ, नोकी रडार वाला। बात कर लेते हैं इसकी लंबाई से। 4312 mm की लंबी है, 1790 mm चौड़ी है, 1650 mm की इसकी हाइट है, 2650 का व्हील बेस मिलता है, और सेगमेंट में सबसे ज़्यादा 220 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा आपको। तो मतलब कहीं भी ले जाओ इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं नहीं लड़ेगी। तो देख रहे हो कितना ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है इसके अंदर, और ये दिवाली के आसपास आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। बुकिंग इसकी अगले महीने शुरू कर दीजिए कंपनी। तो ऐसी दिखेंगी इसकी कुछ हेडलाइट DRL के साथ, टर्न इंडिकेटर भी DRL में दिया गया, फोग लैंप LED में मिलेगा, और इसकी हेडलाइट जो है वो बेजल में मिलेंगी, 1 2 3 4, हाँ चार चार बेजल दोनों में दिए गए हैं, हाई बीम और लो बीम दोनों में। तो बात करते हैं इसके सामने की ग्रिल की। सामने की ग्रिल इसकी बहुत ही धांसू लग रही है देखने में, हाफ क्लोज और हाफ ओपन में इसकी ग्रिल दी हुई है, बीच में होंडा का लोगो दे दिया है। ऊपर इसमें क्रोम की एक लाइनिंग दी गई है जैसे होंडा सिटी में आती है। और देखो यार सामने से इतनी प्यारी लग रही है, मतलब फील तो दे रही है थोड़ा थोड़ा कि हाँ कुछ महंगी गाड़ी चलाने वाले हैं हम लोग। तो ऐसा कुछ इसका क्लोजअप लुक है। क्रोम पियानो ब्लैक में है थोड़ी थोड़ी, और आधी क्लोज कर दी गई है। यार इसकी लाइट बड़ी धांसू लग रही है, कुछ भी कहो। बात कर लेते हैं टायर सेक्शन की। तो 215/55R17 के इसमें टायर मिलेंगे, मशीन कट टायर अलॉय व्हील है इसके अंदर, और ORV में मिलेगा टर्न इंडिकेटर के साथ, ऑटोमेटिक फोल्डेबल, और ये इसका डोर हैंडल सेंसर के साथ मिलेगा दोनों साइड। तो सनरूफ और रूफ रेल भी इसमें आपको ऑफर की जा रही है टॉप मॉडल में। तो ऐसे इसमें कुछ पीछे के टायर मिलेंगे, कोई डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं है पीछे, ड्रम ब्रेक के साथ ये टायर आएंगे। और ये इसका ब्लू कलर भी, यार ब्लू कलर में भी धांसू लग रही है गाड़ी, नो डाउट। तो पीछे की साइड आपको वाइपर मिल जाएगा, डिफोगर मिल जाएगा, हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाएगा, शार्पिन एंटीना मिल जाएगा, और ऐसी कुछ टेल लाइट दिखेंगी, अमेज वाली फील आ रही है लाइट में, अमेज में ऐसी आती थी ना बूमरैंग शेप में। तो मैंने बताया ना इसमें थोड़ा सा अमेज के इसमें लुक डाले गए हैं गाड़ी में एक्सटीरियर में। और यहाँ पे इसका कैमरा प्लेसिंग किया गया है, और नीचे की साइड इसमें नंबर प्लेट के लिए भी LED लाइट मिल जाएगी, और यहाँ पे इसका मैग्नेटिक बटन मिलेगा बूट ओपन करने के लिए। तो 458 लीटर का इसमें बूट स्पेस मिल जाता है आपको, इसमें लैंप भी मिल जाएगा आपको बूट में, और इसमें हुक्स दिए गए हैं कुछ टांगने वांगने के लिए, और ये इसका स्पेयर व्हील है टूल किट के साथ मिलेंगे। यहाँ पे कोई पंचर रिपेयर किट नहीं शायद इसमें मिलेगी, क्योंकि होंडा ऑफर करती नहीं है शुरू से ही। तो यहाँ पे शायद हाँ एक टायर, एक साइज छोटा टायर मिलेगा इसमें आपको स्पेयर में। तो ऐसा कुछ इसका पीछे का लुक दिखेगा। यहाँ पे एलिवेट की बैजिंग होगी, यहाँ पे IVTEC की बैजिंग होगी, और रेड वाइट ब्लू तीनों कलर में मुझे तो अच्छी लग रही है गाड़ी। ये रूफ रेल्स हैं यहाँ पे ग्रे कलर की। तो चलिए अब इंटीरियर का लुक देखते हैं इसका कैसा है। ओ इंटीरियर में इसमें ब्राउन लेदर का सॉफ्ट टच दिया हुआ है डोर्स पे स्टिचिंग के साथ, यहाँ पे भी इसमें लेदर का फिनिश दिया हुआ है, हार्ड प्लास्टिक है यहाँ पे, सब हार्ड प्लास्टिक दिया हुआ है। ट्विटर की प्लेसिंग की गई है यहाँ पे, स्पीकर की प्लेसिंग, बोतल होल्डर, 8 स्पीकर म्यूजिक सिस्टम मिलेगा इसमें आपको। ये इसका स्टेयरिंग व्हील बड़े शानदार लुक में, वही होंडा सिटी वाला। यहाँ पे इंफोटेनमेंट के स्विच दिए हुए हैं, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल और एडास के कंट्रोल्स दिए गए हैं। ऑटोमेटिक यहाँ पे इसमें आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प के स्विच मिल जाता है, यहाँ पे ऑटोमेटिक वाइपर का स्विच मिल जाता है। तो ऐसा कुछ इसमें आपको सामने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, हाफ एनालॉग और हाफ डिजिटल में, जैसे कि होंडा सिटी में आता है। तो यहाँ से हम इसकी इल्यूमिनेशन कंट्रोल कर सकते हैं, प्लस माइनस कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से इल्यूमिनेशन इसकी यहाँ पे। तो यहाँ पे चुपक के बैठा है अपना इंजन स्टार्ट और स्टॉप बटन, यहाँ पे लेन का कैमरा मिल जाएगा बटन दिया गया, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन यहाँ पे, और यहाँ पे बोनट ओपन करने का, फ्यूल लाइट ओपन करने का लीवर दिया गया है, और ये अपनी इंफोटेनमेंट सिस्टम। इस बार यार इन्होंने बढ़िया कर दिया कि ऊपर के साइड प्लेस कर दिया, होंडा सिटी में थोड़ा अजीब सा लगता था लेकिन ये मस्त लग रहा है, और इसकी फील भी अच्छी है, मतलब इसके बटन जो नीचे प्लेस किए गए ये भी अच्छे लग रहे हैं। पर्सनली मेरे को बहुत अच्छी लग रही है ये वाली डिस्प्ले। यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा, नोब नहीं है इसमें, इस बार स्विच मिलेंगे। यहाँ पे इसमें 2 USB के पोर्ट्स मिल जाते हैं, एक चार्जिंग के लिए, एक इंफोटेनमेंट के लिए। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर मिल जाएगा, और 12 वोल्ट का पावर आउटपुट मिल जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको नीचे ये मिलेगा गियर लीवर CVT वाला, वही पुराना, और
स्पोर्ट्स मोड मिल जाएगा यहाँ पे आपको। ये इसका हैंड रेस्ट, अंदर स्पेस है काफ़ी अच्छा खासा, चलिए अच्छी बात है। ये इसका मैनुअल गियर बॉक्स का लीवर मिल जाएगा। सनरूफ भी इसमें ऑफर की जाएगी, लेकिन छोटी वाली पैनोरमिक सनरूफ का ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। चलो कोई नहीं, लेकर अगर प्राइस के साथ, अच्छे प्राइस के साथ अगर ये आती है तो कोई बात नहीं, हम झेल लेंगे। तो यहाँ पे इसमें वुडन का टच दिया गया, नीचे लेदर का टच दिया गया, ऊपर की तरफ इसमें प्लास्टिक है सारा कुछ। ये इसकी लाइट है, कैबिन लाइट, और यहाँ पे वैनिटी मिरर लाइट के साथ मिल जाएगा पैसेंजर साइड। और यहाँ पे कोई लाइट नहीं मिलेगी, सिर्फ वैनिटी मिरर मिलेगा। और ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक फंक्शन के साथ आपको होंडा सिटी का जैसा ही इसमें स्टेयरिंग व्हील मिल जाएगा। बात कर लेते हैं बैक साइड के डोर की, यहाँ पे भी लेदर फिनिश है, यहाँ पे ट्विटर की प्लेसिंग की गई है सेम आगे जैसे ही इसमें सब कुछ है। बोतल होल्डर का यहाँ पे दिया गया है, और ये इसकी कुछ सीट्स की अपोल्स्ट्री है पीछे की, और सीट बेल्ट मिल जाएंगी सभी पैसेंजर के लिए, तीनों के लिए। यहाँ पे इसमें कप होल्डर के साथ हैंड रेस्ट मिल जाएगा पीछे वालों के लिए भी है। एसी वेंट मिल जाएंगे इसमें पीछे, और वहाँ पीछे भी 12 वोल्ट का पावर आउटपुट मिल जाएगा। तो बात कर लेते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो वही होंडा सिटी वाला 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड आईवी टेक पेट्रोल इंजन इसमें मिल जाएगा, जो प्रोड्यूस करेगा 119 bhp की पावर और 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क। अगर गाड़ी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।